एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। पाक ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, एक बार फिर से फायरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से। हिंदुस्तान की तरफ से भी जवाबी फायरिंग हुई है। पुंछ सेक्टर की यह घटना, भारतीय सेना ने जवाब दिया। देर रात की यह घटना बताई जा रही है। एलओसी के पास दिगवार इलाके में सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। देर रात पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। हमारे संवाददाता अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की गई। बिल्कुल नीचे आपको बता दूं कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने युद्ध विराम के उल्लंघन को तोड़ा है, और इस बार जो है ये दिगबार का एरिया पड़ता है जहां पे दुर्गा पोस्ट है आर्मी की, उसको निशाना बनाया गया है। और आपको बताऊंगा ये वही इलाका पड़ता है जहां पर कुछ दिन पहले जो है आर्मी के 5 जवान शहीद हुए। ऑलमोस्ट उसी इलाके में जो है एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत की है और लगभग 1 से 1.5 घंटे तक लगातार फायरिंग की है, जिसका जवाब भारतीय सेना के जो जवान थे वहां पर उन्होंने दिया है। अभी तक किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है, मगर कहीं ना कहीं उस हादसे के बाद भी जब जिसमें 5 भारतीय सैनिक जो है शहीद हुए, उसके बाद ये तीसरी घटना है जब एलओसी पे जो है पाकिस्तान की तरफ से एक बार जो है सीज फायर जो है वो तोड़ा गया है। इसके पीछे समझे क्या, पाक का आखिर कौन सा चेहरा ये सामने आता है? एक तरफ तो शांति बहाल करने की बात की जाती है, इस हमले की जांच करने की बात की जाती है पाकिस्तान सरकार की तरफ से, और दूसरी बात ये एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन सामने आया है। मरीचा, हमने जो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की है, उनका साफ कहना था कि सीधे तौर पे कहीं जब भी नवाज शरीफ सत्ता में आए हैं उन्होंने तब भी उसी समय जो है भारत जो सीमाएं हैं भारत और पाकिस्तान की उनमें कहीं ना कहीं वो फायरिंग और बाकी चीजें जो है शुरू हुई हैं। और आप बता दूं कि इलाके की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो है फायरिंग होती रहती है। सापियां सेक्टर, मेंढर सेक्टर और पुंछ का ये एलओसी का जो इलाका है, यहाँ अगर आप देखें तो पिछले 3 महीने में जो है वो लगातार फायरिंग हुई है और लगातार फायरिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। तो ये एक समय जो देखा जा रहा है काफी ये कहा जाए कि बॉर्डर काफी हॉट है, जिस वजह से वहां पे गश्त और जो चौकसी है और भारतीय सेना की तरफ से भी बढ़ा दी गई है, बहुत सीरियस मैटर माना जा रहा है। वक्त की अगर बात करें अजय, किस वक्त सीज फायर का उल्लंघन किया गया और कितनी देर तक ये फायरिंग चली? देखिए तकरीबन बताया जा रहा है कि लेट नाइट जो है ये फायरिंग शुरू हुई है, लगभग 12 बजे के करीब जो है ये फायरिंग शुरू हुई है और रुक रुक के ये फायरिंग चलती है रही है। स्मॉल आर्म फायर हुआ है ये, और लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए फायरिंग की गई पाकिस्तान की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये इलाका जो आपको बता दूं कि इसके दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का इलाका है वहां पे रिहायशी इलाका है, वहां पे गांव है, जिस वजह से माना जा रहा है कि एक बार फिर से वहां पे जो है इन्फिल्ट्रेशन करने की या आतंकियों को घुसपैठ करवाने की एक रणनीति पाकिस्तानी सेना की, तो ये हो सकती है। जी, अभी बीते दिन जब हमारे 5 शहीदों को पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करने के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी, शहीद हो गए थे हमारे 5 जवान, उसके बाद से कहा यह भी जा रहा था भारत सरकार की तरफ से कि अब सुरक्षा कड़ी कर दी जाएगी, चप्पे चप्पे पर अलर्ट कर दिया जाएगा और पाक की तरफ से इस तरह की नापाक हरकत ना हो इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से पाक ने वो नापाक हरकत दोहराई है, भारत की तरफ से अब क्या कुछ कार्रवाई होगी और अब सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे? देखिए जहां तक सीमाओं की बात है, पुंछ एलओसी है, राजौरी सेक्टर पड़ता है, ये सारा इलाका जो है वो सेना के अंदर है, बीएसएफ के अंदर है, और इस इलाके में भारतीय सैनिक जो है वो सीमा पर सुरक्षा के लिए तो पूरी तरह तैनात रहते हैं, मगर दूसरी तरफ जो वहां पे थ्रेट रहती है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपनी तरफ से फायरिंग करता है, आतंकी जो को घुसपैठ करवाने की कोशिश करवाता है, इसलिए यहाँ पे इस तरफ जो है पेट्रोलिंग पे बढ़ाई दी गई है, यहाँ पर सेना को जो है वो चौकस रहने की हिदायतें दी गई हैं। मगर जब तक पाकिस्तान ये जो डिप्लोमेटिक लेवल पे ये जो टाइज होंगी, जब सीज फायर वायलेशन जो पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, ये जब तक सरकार की तरफ से हायर लेवल पे नहीं उठाया जाएगा पाकिस्तान, ये तभी रोकना मुमकिन होगा, मगर लग नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। सही कहा आपने कि जो डिप्लोमेटिक चेहरा बार बार पाकिस्तान का सामने आता है, शायद उसी अंदाज में अब भारत को भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई करनी होगी और पाकिस्तान को उसी के लहजे में जवाब देने का वक्त शायद अब आ गया है। शुक्रिया अजय इस बातचीत के लिए आपका।